KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग भारत लोग और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 7वें अध्याय खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का हम लोग खनिज तेल का अध्ययन करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं खनिज तेल। खनिज तेल को अंग्रेजी में मिनरल ऑयल कहा जाता है और इस प्रकार से हम देखेंगे कि पेट्रोलियम लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों पेट्रा और ओलियम से बना है। पेट्रा का अर्थ है शैलों से प्राप्त एवं ओलियम का अर्थ है तेल। इस तरह पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ चट्टानों से प्राप्त तेल है। भूगर्भ की चट्टानों से निकाले जाने के कारण इसे खनिज तेल कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पेट्रोलियम की उत्पत्ति समुद्री वनस्पति जीवावशेषों आदि के सड़ने गलने तथा शैलों में दब जाने के पश्चात उसके रूपांतरण से हुई है। इस प्रकार आगे देखेंगे हम लोग कि अत्यधिक ताप एवं दबाव के कारण इन पदार्थों में तेल गैस कार्बन गंधक आदि तत्व उत्पन्न। इस प्रकार और आगे हम देखेंगे कि वर्तमान युग में पेट्रोलियम अथवा खनिज तेल का महत्व सर्वविदित है। इसके महत्व को देखते हुए इसे तरल सोना कहा जाता है। इसका उपयोग औद्योगिक मशीनों कल कारखानों जहाज़ों परिवहन के साधनों को चलाने में व्यापक रूप से किया जाता है। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल में कई अशुद्धियां मिली होती हैं। इन अशुद्धियों को तेल शोधन शालाओं या ऑयल रिफाइनरी सेंटर में शुद्ध किया जाता है। तेल शोधन करने पर इसे पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल मोबिल ऑयल ग्रीस मोम एवं गैसोलीन जैसी लगभग 5000 उपयोगी पदार्थ बनते हैं। इस समय देश में 17 शोधन शालाएँ कार्य कर रही हैं। मुंबई हाई जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है 1900 खोजा गया था और वहाँ 1976 में उत्पादन प्रारंभ हो गया। 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई। शोधन शालाओं में ट्रांबे नंबर 1 ट्रांबे 2 विशाखापट्टनम बरौनी कोयला हल्दिया डिगबोई बोगाईगांव नून माटी और कोचीन चेन्नई मथुरा पानीपत मंगलुरु नुमालीगढ़ गुवाहाटी तथा कावेरी में है। दुर्लभता और विभिन्न उपयोगों के कारण पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। प्रोडक्शन या कह लीजिए जिसे हम उत्पादन कहते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। भारत में खनिज तेल का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है किंतु फिर भी उत्पादन आवश्यकता से कम है। हमारा देश अपनी आवश्यकता का केवल 31.5% पेट्रोलियम उत्पादन करता है। शेष अन्य देशों से आयात किया जाता है। भारत में विभिन्न वर्षों में खनिज तेल उत्पादन का जो आंकड़ा है वो हमारे सामने इस प्रकार है। ठीक, भारत में खनिज तेल का उत्पादन वर्ष उत्पादन लाख मीट्रिक टन में इधर वर्ष दिया है। दाहिनी तरफ उत्पादन लाख मीट्रिक टन में दिया गया है। इसको देख करके अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है भारत में खनिज तेल का वितरण। भारत में 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत औषधि शैलों में 70 करोड़ टन हाइड्रोकार्बन
का अनुमान है। इन तेल भंडारों में लगभग 2/3 सागरीय क्षेत्र में एवं 1/3 स्थलीय क्षेत्र में अनुमानित हैं। और भारत के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक पहला है असम तेल क्षेत्र। असम में आयल इंडिया लिमिटेड एवं तेल व प्राकृतिक गैस आयोग तेल उत्पादन में संलग्न है। असम और इसके समीपवर्ती राज्यों से प्रतिवर्ष 45 लाख टन खनिज तेल निकाला जाता है। यहाँ के 361 कुओं से तेल निकालने का कार्य चल रहा है। और यहाँ का प्रमुख तेल क्षेत्र डिगबोई, सुरमा घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी में है। और इस प्रकार से आगे हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे। डिगबोई तेल क्षेत्र सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। यहाँ तेल के कुओं की गहराई 400 से 800 मीटर तक है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र डिगबोई, बप्पायांग, हसापांग, पानी टोला है। और दूसरा है सुरमा घाटी तेल। सुरमा घाटी क्षेत्र में तेल की प्राप्ति बदरपुर, मसीमपुर, पथरिया आदि स्थानों में होती है। और तीसरा पॉइंट है ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में नहरकटिया क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख तेल क्षेत्र नहरकटिया, हुगरीजन, मोरान, रुद्रसागर, लकवा, गाले की अमलरी, जहाँ से तेल प्राप्त किया। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा है गुजरात तेल क्षेत्र। गुजरात राज्य तेल उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी प्रगति किया है। और यहाँ का वार्षिक उत्पादन 40 लाख टन है। ठीक, यहाँ के प्रमुख तेल क्षेत्र इस प्रकार है। पहला है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। यह क्षेत्र नर्मदा घाटी में बड़ौदा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ लगभग 1200 मीटर की गहराई से तेल प्राप्त होता है। यहाँ तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैसें भी निकाली जाती हैं। और दूसरा है खंभात तेल क्षेत्र। इस तेल क्षेत्र की लोने तेल क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ तेल के विशाल भंडारों का अनुमान है। यहाँ का वार्षिक उत्पादन 15 लाख टन है। और तीसरा है अहमदाबाद तेल क्षेत्र। यह तेल क्षेत्र अहमदाबाद के पश्चिम में है। यहाँ नौगांव, कोसंबा, महसाना, सानंद, कोधाना प्रमुख। अब आगे हम लोग देखेंगे तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का, इसको देख लेते हैं हम लोग। महाराष्ट्र के तेल क्षेत्र को बॉम्बे हाई के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र अरब सागर में मुंबई नगर से 160 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में और 1,43,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। मुंबई हाई को 1973 में खोजा गया था और यहाँ से 1976 में उत्पादन का कार्य आरंभ हुआ। यहाँ 14 से 16 मीटर की गहराई से तेल निकाला जाता है। यहाँ सागर सम्राट नामक विशाल जलयान द्वारा तेल उत्पादन किया जाता है। यहाँ से दक्षिण बसीम क्षेत्र से तेल व प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ से 263 लाख टन खनिज तेल का उत्पादन प्रति। और आगे हम लोग देखेंगे अपतटीय क्षेत्र। भारत का मग्न तट 385,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ने गोदावरी एवं कावेरी डेल्टा से भी उत्पादन शुरू किया है। यहाँ का उत्पादन 3 लाख टन प्रतिवर्ष, ये अच्छे तरीके से इसमें दिया गया है कहाँ कहाँ पे तेल क्षेत्र है और तेल शोधन शालाएँ हैं। ठीक, इसको हम लोगों को अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है। ठीक, और आगे हम लोग व्यापार को समझ लेते हैं। भारत मांग की तुलना में उत्पादन कम होने के कारण खनिज तेल का आयात करता है। ठीक,
और यहाँ के प्रमुख तेल आयातक देश रूस, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, अल्जीरिया, वेनेजुएला आदि। और भारत में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने सर्वेक्षण करके प्राकृतिक गैस के नए संभावित भंडारों की खोज की है। सर्वेक्षण का कार्य पूरा होते ही उत्पादन प्रारंभ होगा। अब हम लोग अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की घटती मात्रा को देखकर ऊर्जा के जो सतत पोषणीय तथा नवीकरणीय नए स्रोत खोजे गए हैं उन्हें ऊर्जा के अपरंपरागत या नवीन स्रोत कहा जाता। आगे देखेंगे हम लोग अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत इस प्रकार है, जिसमें पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है जलीय ऊर्जा और चौथा है भूतापीय ऊर्जा और पांचवा है बायोमास ऊर्जा या जैव भार ऊर्जा। ठीक, इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे कि अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत नवीकरणीय होने के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल भी हैं, अतः ये भविष्य की ऊर्जा की आशा बन गए हैं। ये संसाधन ऊर्जा की अच्छे टिकाऊ तथा कम लागत में ऊर्जा प्रदान। आगे हम लोग देखेंगे नाभिकीय ऊर्जा। गत कुछ दशकों में नाभिकीय ऊर्जा एक नवीन ऊर्जा स्रोत के रूप में विकसित की गई है, इसे परमाणु ऊर्जा भी कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में परमाणु खनिज यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया गया। ठीक, और भारत में यूरेनियम अयस्क सिंहभूम तावापट्टी के साथ साथ राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू में, छत्तीसगढ़ के दुर्गपुर में, महाराष्ट्र के भंडारा जिले एवं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से निकाला जाता है। आगे हम लोग देखेंगे थोरियम अयस्क केरल तटीय क्षेत्र से तथा पोलिन बीच की बालू से मोनाजाइट एल्मे जाइट अयस्क प्राप्त किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, ओडिशा में महानदी डेल्टा में भी ये अयस्क आते हैं। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में परमाणु आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी और इस दिशा में प्रगति में ट्रांबे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना के बाद हुई, जिसके बाद 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया। तब से अब तक इस क्षेत्र में काफ़ी प्रगति। आगे हम लोग देखेंगे भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक, हमारे देश में परमाणु शक्ति उत्पन्न करने की आवश्यकता विशेष रूप से अनुभव की जाने लगी है। इसके कारण इस प्रकार हैं। नंबर एक है कोयले के भंडारों का 100 वर्षों में समाप्त होने का अनुमान है और दूसरा है यहाँ जल शक्ति के अनुमानित स्रोत 450 लाख किलोवाट के हैं और तीसरा है विकासोन्मुख उद्योग के लिए सस्ती शक्ति आवश्यक है। चौथा है भारत में परमाणु यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट आदि के भंडार पश्चिमी तटीय मैदानों में मौजूद हैं। भारत में भारी जल उपलब्ध है। ठीक, और इस प्रकार से उपयुक्त अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्रों द्वारा विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं यहाँ के आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में हैं। और आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि भारत में आणविक ऊर्जा विकास हेतु डॉक्टर भाभा के निर्देशन में 1954 में ट्रांबे में प्रथम आणविक ऊर्जा संसाधन स्थापित किया गया।
इस समय इसमें चार अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा, साइरस, ध्रुववाहक आगे हम लोग देखेंगे। जो नंबर एक है, भारत का प्रथम परमाणु शक्ति गृह तारापुर महाराष्ट्र में है। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें दो रिएक्टर हैं, प्रत्येक से 210 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और दूसरा है रावत भाटा अणु शक्ति गृह है, ये राजस्थान में है। रावत भाटा में 220 मेगावाट की दो इकाइयों वाला अणु शक्ति गृह बनाया गया है। और तीसरा है कल्पक्कम अणु शक्ति गृह तमिलनाडु में है। चेन्नई के निकट कल्पक्कम में दो रिएक्टर वाला शक्ति गृह स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता 480 मेगावाट। अगला है नरौरा अणु शक्ति गृह उत्तर प्रदेश में है। यह शक्ति गृह बुलंदशहर जिले में नरौरा के निकट स्थापित किया गया है। यहाँ 240 मेगावाट के दो रिएक्टर लगाए गए हैं। आगे है पांचवा काकरापार अणु शक्ति गृह गुजरात में है। इसमें दो रिएक्टर लगाए गए हैं, जिसकी संभावित उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। और छठा है कैगा अणु शक्ति गृह कर्नाटक में है। इस शक्ति गृह की उत्पादन क्षमता 470 मेगावाट। इस क्षेत्र में रूस और फ्रांस के सहयोग से नए रिएक्टर स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे सौर ऊर्जा। ठीक, आइए देखते हैं सौर ऊर्जा। सूर्य की किरणों में अपार ऊर्जा छिपी हुई है, अतः फोटोवोल्टाइक सेलों से सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित करके जो अक्षय ऊर्जा बनाई जाती है उसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। इस ऊर्जा को प्रभावी बनाने में निम्न दो का विशेष सहयोग रहता है। पहला है फोटोवोल्टाइक सेल, दूसरा है सौर तापीय प्रौद्योगिकी। इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे सौर ऊर्जा वर्तमान की आवश्यकता तथा भविष्य की अनिवार्यता के रूप में उभर कर आई है। समस्त अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा सौर ऊर्जा कम लागत में उत्पन्न होने वाली तथा पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक, इस प्रकार हम आगे चलते हैं। अब पवन ऊर्जा को देख लेते हैं। पवन ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल तथा ऊर्जा के अक्षय स्रोत के रूप में उपयोगी सिद्ध हो रही है। पवन ऊर्जा उत्पादन की तकनीकी अत्यंत सरल है। पवन की गतिज ऊर्जा को ऊंचे पंखे लगाकर टरबाइन के द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। पछुआ पवनों तथा मानसूनी पवनों को ऊर्जा उत्पादक स्रोत के रूप में प्रयोग करके इस ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक, और इसके अलावा स्थानीय हवाएं तथा जलीय पवने भी इसी कार्य में सहयोग देते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे कि भारत ने पवन ऊर्जा की विकास की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाकर इसका उत्पादन प्रारंभ कर दिया। ठीक, और भारत सरकार का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय भारत के खनिज तेल आयात की राशि में कमी लाने के लिए पवन ऊर्जा के विकास की ओर विशेष ध्यान दे रहा है। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। ज्वारीय तरंगे तथा महासागरीय तरंगे ऊर्जा का अपरिमित स्रोत है। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी से इन दोनों से ऊर्जा उत्पन्न करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। भारत के पश्चिमी तट पर बृहद ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, अतः वहाँ ज्वारीय तरंग ऊर्जा उत्पन्न करने की संभावनाएं भी पर्याप्त हैं। और इस क्षेत्र में प्रयास चल रहे हैं, परंतु अभी उल्लेखनीय सफल। आइए देखते हैं आगे भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी का आंतरिक भाग तप्त है, अतः उससे जो मैग्मा निकलता है उसमें अत्यधिक ऊर्जा विद्यमान होती है। और इस ऊर्जा को सफलतापूर्वक ऊर्जा बनाने में प्रयुक्त करके
भूतापी ऊर्जा का विकास कर लिया गया है। ठीक इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि भूतापी ऊर्जा बनाने में सबसे पहली सफलता 1890 ईस्वी में बोजे शहर इडाहो संयुक्त राज्य अमेरिका को मिली थी और भारत में इस संबंध में गंभीर प्रयास किए गए हैं। भारत में भूतापी ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में लगाया जा चुका है। ठीक और गीजर कूपों से निकलने वाले उष्ण जल से भूतापी ऊर्जा का विकास किया जा सकता है। भूतापी ऊर्जा एक लोकप्रिय ऊर्जा स्रोत बनकर उभरी है, अतः इसका विकास एक नवीन वैकल्पिक ऊर्जा जा रहा है। इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे जैव ऊर्जा। जैविक उत्पादों से उत्पन्न की जाने वाली गैर पारंपरिक ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहा जाता है। यह ऊर्जा कृषि अवशेषों तथा नगरपालिका और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके बनाई जाती है। जैव ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन लाने वाली एक क्रांतिकारी व्यवस्था है, जिसे ताप ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलकर विविध कार्यों में प्रयोग में लाया जा सकता। ठीक इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे यह ऊर्जा कूड़ा कचरे से उचित प्रबंधन के साथ ऊर्जा में बदलकर एक पंथ दो काज की कहावत को चरितार्थ करती है। जैव ऊर्जा घरों को प्रकाशित करने के साथ साथ उद्योगों को चलाने में प्रयुक्त की जाएगी, जिससे पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या से छुटकारा मिले। इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे खनिज संसाधनों का संरक्षण। उपयोगिता और उपयोगी पदार्थों को भविष्य के लिए संरक्षित करना आवश्यक है। सतत पर्यावरणीय विकास की चुनौती का सामना करने के लिए वैज्ञानिकों के समक्ष जो जटिल काम हैं उसे खनिज संसाधनों के संरक्षण के रूप में समझा जा सकता है। आइए देखते हैं खनिज संसाधनों के संरक्षण को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। नंबर वन, सतत पोषणीय आर्थिक विकास के लिए खनिज संसाधनों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। दूसरा है, राष्ट्रों को औद्योगिक पथ पर अग्रसर करने के लिए खनिजों का संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा है, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने तथा प्रदूषण रोकने की विधा के रूप में खनिजों का संरक्षण महत्वपूर्ण बन पॉइंट है। खनिज संसाधनों के अद्वितीय लाभों को भावी पीढ़ी तक सुलभ कराने के लिए इसका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और पांचवा है, ऊर्जा राष्ट्र के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास का प्राण है, अतः इन संसाधनों का संरक्षण करके आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास को दीर्घजीवी बनाया जा सकता है। इस प्रकार से आगे हम देखते हैं कि खनिज संसाधनों के उत्पादन तथा उचित ढंग से उपयोग करने के बीच उचित संतुलन बनाए रखने के लिए खनिज पदार्थों का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता। और इस प्रकार हम देखेंगे कि खनिज संसाधनों के उपयोग की उचित रणनीति बनाकर तथा इनके स्थानापन्न संसाधन खोजकर खनिजों के संरक्षण की राह खोली जानी चाहिए। और इस प्रकार से एक कहावत है कि आज खनिजों को बचाइए, कल राष्ट्र के आर्थिक विकास की नींव सुदृढ़ बनाइए। ठीक, अपर्याप्त धातु खनिजों तथा ऊर्जा स्रोतों का रक्षा के क्षेत्र में सीमित उपयोग करके तथा उनका निर्यात घटाकर उन्हें दीर्घकालीन उपयोग के लिए संरक्षित किया जा सकता है। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।